बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कौन से साउथ के डायरेक्टर्स देंगे एक दूसरे को टफ कंपटीशन? कब होगी बाहुबली 3 रिलीज और बाहुबली 3 को लेकर क्या है डायरेक्टर राजामौली का लेटेस्ट कन्फेशन? हेलो एंड नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। साउथ इंडस्ट्री में अगर बेस्ट डायरेक्शन की बात की जाए तो एक ही नाम याद आता है और वो पॉपुलर नाम है KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब डायरेक्टर प्रशांत नील अकेले ही साउथ इंडस्ट्री के किंग ऑफ डायरेक्शन नहीं है। टॉलीवुड के सक्सेसफुल डायरेक्टर्स की लिस्ट में अब एक और नाम ऐड हो चुका है, वो नाम है बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजामौली जी का। इसमें तो कोई शक नहीं कि युग्राम, KGF 1, KGF 2 जैसे हिट फिल्म्स देने के बाद प्रशांत ने प्रूव कर दिया है कि क्यों है वो किंग ऑफ डायरेक्शन। लेकिन SS राजामौली जी ने इंडस्ट्री को बाहुबली जैसा एवरग्रीन कॉन्सेप्ट देकर ये प्रूव कर दिया है कि क्यों है वो किंग ऑफ डायरेक्शन 2। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, डायरेक्टर राजामौली ने ये भी प्रूव कर दिखाया है कि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी का इंट्रोडक्शन तो खुद उनका काम ही है। पिछले कुछ सालों से प्रशांत के सभी प्रोजेक्ट्स को ऑडियंस का काफी प्यार देखने को मिलता रहा है और बात की जाए उनके थ्रू डायरेक्ट की गई लेटेस्ट फिल्म KGF 2 की, तो दोस्तों ये बात तो सब जानते ही हैं कि KGF 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों अगर बात बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने की उठ ही रही है तो इस फील्ड में डायरेक्टर SS राजामौली भी प्रशांत नील से पीछे नहीं है। प्रशांत की फिल्म बाहुबली ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे और बाहुबली की हाई पॉपुलैरिटी के चलते ऑडियंस डिमांड पर बाहुबली का सीक्वल भी बनाया गया था। अभी डायरेक्टर राजामौली का टैलेंट ही तो है जिसने ऑडियंस के दिल में अपनी स्टोरी लाइन के लिए एक अलग ही जगह बनवाई और फैंस के बीच इस फिल्म के सीक्वल को लेकर इतनी एक्साइटमेंट पैदा की। डायरेक्टर प्रशांत नील की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म KGF 2 के एक्शन सीक्वेंसेस और उसमें दिखाए गए पावरफुल स्टंट्स ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया था। KGF 2 की सक्सेस के बाद ही ऑडियंस के बीच इस फिल्म के थर्ड पार्ट की मेकिंग को लेकर भी एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहां तक कि फैंस ने तो सोशल मीडिया पर फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील से जल्द ही KGF के थर्ड पार्ट को रिलीज करने की डिमांड भी की है। लेकिन अगर फैंस को इम्प्रेस करने की बात है तो इस फील्ड में कहा जा सकता है डायरेक्टर SS राजामौली पूरी तरह से प्रशांत नील को टक्कर दे रही हैं। बाहुबली पार्ट 1 और 2 की सस्पेंस से भरी ड्रामेटिक या बोले तो हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन ने ऑडियंस को अपनी तरफ खूब अट्रैक्ट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में हिस्ट्री और एंटरटेनमेंट का काफी अच्छा बैलेंस भी मेंटेन किया गया था। एंटरटेनिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फिल्म में एक्शन सीन्स और प्रिंस बाहुबली के पावरफुल एक्शन स्टंट्स भी इंक्लूड किए गए थे। इन शॉर्ट दोस्तों बात की जाए तो डायरेक्टर राजामौली ने ये पूरी फिल्म एक तरह से अपने ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। यही रीजन है जिसके चलते बाहुबली सीरीज ने इतना प्यार और पैसा कमाया था। ओवरऑल बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों में डायरेक्टर SS राजामौली पूरी तरह से डायरेक्टर प्रशांत नील को सक्सेस की फील्ड में टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात की जाए अपकमिंग फिल्म बाहुबली 3 की रिलीज की, तो ऑफिशियल रिलीज डेट्स को लेकर मीडिया में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर रिवील कर दिया गया है कि इस फिल्म को साल 2023 में जनवरी या फरवरी के मंथ में बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। बाहुबली के पहले दो पार्ट्स पर ऑडियंस के साइड से इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया था जिसके चलते अपकमिंग सीक्वल से इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों में ही इस सीक्वल को लेकर काफी हाई एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही हैं। दोस्तों इस फिल्म को लेकर बात की जाए डायरेक्टर राजामौली की कन्फेशन की, तो प्रशांत ने रिवील किया कि ऑडियंसेस ने बाहुबली के दोनों पार्ट्स को बिग स्क्रीन पर ऑलरेडी विटनेस कर लिया है, लेकिन इस बार सीक्वल में एक बड़ा ट्विस्ट है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बाहुबली का सीक्वल होने के बाद भी बाहुबली 3 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश और यूनिक होने वाला है। एड ऑन करते हुए राजामौली ने कन्फेस किया कि वो भी इस अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाहुबली 3 ऑडियंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो दोस्तों अब देखना ये है कि रिलीज होने के बाद बाहुबली 3 ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं। दोस्तों अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है सुहानी।